Hi, myself Dhawal Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683299. आज हम कुछ बात करेंगे निफ्टी एंड मैग्नेटी के बारे में और मार्केट लाइव है और आज के लिए ऐसा कौन सा जैकपॉट टाइम है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम हमारी टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 वहाँ आके जुड़ने की कोशिश करिए, जिससे आपको टाइमली एक नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जिससे आप को एक टेक्निकल लेवल्स एंट्री एंड एग्जिट के लिए इजी हो जाए। हमारी एक एक्सपर्टाइज है क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के पर्टिकुलर मून के पी साइकिल के हिसाब से मार्केट में एग्जिट आपको वो टाइम डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और वही टाइम पे एंट्री करवाते हैं और वाकई आपको 2x आरओआई मिलती है। ठीक है, इसका एक लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही हमने कल इंस्टा वाले वीडियो में हमने क्लियरली बताया हुआ था, एक जैकपॉट टाइम बताया हुआ था करीबन कल के लिए के आपको वो 12:10 से 3:30 के बीच में ये सैलून राय स्ट्रीट पे काम करना चाहिए। ठीक है, और एक लेवल बताने की कोशिश की थी, यहाँ हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग चैनल आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्लियरली मेंशंस किया हुआ था कि ये आपको वो सॉरी एक क्लियरली व्यू दिया हुआ था कि 47,000 की कॉल आप सुबह के 9:15 से 11:00 के बीच में बाय कर सकते हो और एक लेवल बताया हुआ था वहाँ 360 का के 360 के अबोव आए तो आप उसमें एंटर हो सकते हो और वाकई 360 से वो करीबन 1411 तक गया हुआ था। ठीक है, या हमने अपडेट भी किया हुआ है। ठीक है, 47, ठीक है, तो करीबन 410 तक गया हुआ था और वाकई एक अपवर्ड मोमेंटम आप देख सकते हो कल 9:15 से लेके 11:00 के बीच में आपको देखने को मिली थी और एक स्पाइक्स बताई हुई थी कि डाउनवर्ड स्पाइक्स 3:08 पे आएगी। ठीक है, तो और वाकई मार्केट में ये वो 3:08 के अराउंड आप देख सकते हो 21,450 का पी जो हमने हमारी पेड चैनल में दिया हुआ था वो करीबन 0.25 से लेके 1.5 ठीक है, 5x। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन और ऐसी ही एक्यूरेट स्पाइक्स जानने के लिए हमारी चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माय ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर एंड टेलीग्राम चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 वहाँ के जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, और आज के लिए ऐसा कौन सा जैकपॉट टाइम है तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए आप देखने की कोशिश करोगे, या हम पंचांग, फर्स्ट ऑफ ऑल पंचांग देख लेते हैं आज का पंचांग क्या है। ठीक, तो जनवरी 2024 और आप देख सकती हो कि अगर आपको वो 1:00 अगर मार्केट में कंटिन्यूअस नेगेटिव दिखे तो 1:00 से लेके 3:30 के बीच में आपको सैलून राय स्ट्रीट पे काम करना है और स्पाइक कब आएगी तो स्पाइक के लिए आपको 1:50 दो स्पाइक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1:51 और सेकंड आपको 2:39 को एक डाउनवर्ड्स स्पाइक्स आपको देखने को मिलेगी जहां इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए इंडेक्स ऑप्शन बायर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए दो स्पाइक्स हैं, 1:51 पे और
9:39 पे आपको एक डाउनवर्ड सिनेरियो देखने को मिलेगा। जॉन कौन सा है? जॉन है करीबन 1 बजे से लेके 3:30 के बीच में आपको एक सैलून डेस्टिनी पे काम करना है। और स्पाइक से 1:51 और 2:39। ठीक है, तो ये क्लियर व्यू है हमारा। और बात करेंगे मार्केट की डायरेक्शन पोजिशनल वालों के लिए, निफ्टी पोजिशनल वालों के लिए मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में करेक्शंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और मार्केट क्या बिहेव करेगा नेक्स्ट वीक के लिए, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वार, तिथि, नक्षत्र, योगा, कर्ण, लग्न, होरा का एक कॉम्बो है जिससे आपको इजी वे में एक एग्जैक्ट स्पाइक्स आपको देखने को मिल सकती है। कल हमने बताया हुआ था कि 3:08 पे एक स्पाइक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 18 जून को हमने इसी के बेस के ऊपर आपको एक स्पाइक्स देने की कोशिश की थी। मार्स का होरा उस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था और 3:08 पे एक सडन स्पाइक्स आपको देखने को मिली हुई थी। ठीक है, तो अब करे तो क्या करे। ठीक है, तो मार्केट में क्या अपवर्ड सिनेरियो दिखाई देगा? तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो मार्केट में एक करेक्शन आया। तो हमारा एक थंब रूल है, जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी कई बार बोला हुआ कि जैसे ही ये स्लो मूविंग प्लैनेट अगर कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट्स से आगे चल रहा हो, एट प्रेजेंट नाउ आप देखने की कोशिश करोगे तो सन एंड प्लूटो का क्लोज कंजक्शन है। और देखोगे तो आज के डेट में करीबन 17 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक वो सन प्लूटो से पीछे है। ठीक है, और प्लूटो आगे है। प्लूटो स्लो मूविंग प्लैनेट से वो करीबन 30 ईयर में अपने एक साइन चेंज करता है। ठीक है, बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट से, और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट सन है उसके पीछे है। जैसे ही वो पर्टिकुलर सन प्लूटो से आगे निकलने की कोशिश करेगा, मार्केट में अपवर्ड सिनेरियो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो एक लॉजिक है कि स्लो मूविंग प्लैनेट इट्स अहेड ऑफ द फास्ट मूविंग प्लैनेट, मार्केट में करेक्शंस होना ही होना है। ठीक है, तो वो 2-3 के लिए मार्केट में करेक्शंस आपको दिखाई दिया। ठीक है, करीबन 22,150 जो हमारा लेवल था निफ्टी चली माई के, वहाँ से 20,400 के लेवल भी आपको देखने होंगे। और मैंने इंस्टा वाले वीडियो में भी बताया हुआ कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है। बजट डे है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, 2 बड़ी इवेंट्स है। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको 21,500 से लेके 22,150 की एक रेंज में मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट वीक से मार्केट में एक अपवर्ड सिनेरियो चालू हो सकता है क्योंकि सन की मूवमेंट प्लूटो से आगे होने वाली है। ठीक है, तो फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट से आगे जाएगा, ऐसे ही मार्केट में एक अपवर्ड सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर में आपको अगर 22,115 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर में निफ्टी का 61.8 का लेवल है, जो 16,828 का 61.8 का लेवल है 23,516। ठीक है, तो वो लेवल को भी मार्केट टच कर सकता है बिफोर 28 फरवरी। ठीक है, ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट्स हो। ठीक है दोस्तों, और जो भी लेवल्स होगा आज के लिए, जो हमने सैलून राइस का जॉन बताया हुआ 1:00 से 3:30 का, वहाँ लेवल में अब मेरी टेलीग्राम चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 पे अपडेट्स करता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।